हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूं रामेश्वरी और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कसूरी मेथी बनाने की रेसिपी। कसूरी मेथी जिस किसी रेसिपी में डल जाती है उसका स्वाद बढ़ जाता है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम इस तरह से भाजी ले लेते हैं। मेथी की भाजी इस समय बहुत आसानी से मिल जाती है, तो हमें छोटे पत्ते वाली भाजी ले लेना है और इसे मुलायम मुलायम जो इसका पार्ट है उसे हम तोड़ लेंगे और डंठल का पार्ट हम फेंक देंगे और फिर इसे हम बस कपड़े में फैला के सुखा लेंगे। बहुत आसानी से ये घर के अंदर ही सूख जाती है। देखिए इस तरीके से हम इसे तोड़ लेते हैं और इसे हम इस तरीके से सुखा लेंगे। 2 दिन के बाद ये इस तरीके की हो चुकी है, ये सूख चुकी है, तो अब ये तैयार है। तो देखिए ये सूख गई है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कितनी बढ़िया बनी है। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, देखिए हम आपको बता रहे हैं कितना क्रिस्पी है। इसके बाद हम इसे कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम में 15 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, ऐसा करने से इसका कलर और अच्छा हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, और किसी भी रेसिपी की ये जान होती है। बस थोड़ा सा इसे हम डाल देते हैं तो कितना अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। और ये बाज़ार में तो बहुत महंगी मिलती है, इस तरीके से हम घर में बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए कलर का फ़र्क हम आपको दिखा रहे हैं, रोस्ट करने के बाद ऐसा हो चुका है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी क्रिस्पी हमारी कसूरी मेथी तैयार है। इसे आप इस तरीके से बनाकर स्टोर कर लीजिए और साल भर इसे यूज़ कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।